हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फेलोशिप जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है, जो कि UGC के द्वारा रिलीज़ की गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपसे यहाँ पे जो जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन है और साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनके वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट, साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी लाइक जॉब्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोज़ के जो है आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जो आया ये है सावित्री ज्योति ज्योति राव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो ये आप उन लोग के लिए जो अपने घर में जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उनके लिए फेलोशिप को UGC की तरफ से निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है आपको ये जो फेलोशिप है ये आपको दी जाएगी टू सपोर्ट हायर एजुकेशन ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड इन सोशल साइंसेज, ठीक है। तो फेलोशिप अवेलेबल फॉर परसुइंग रिसर्च वर्क लीडिंग टू अवार्ड अ PhD डिग्री अंडर सावित्री बाई ज्योति फूले यूनिवर्सिटी फॉर सिंगल ज्योति राव फूले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो फेलोशिप है सोशल साइंस में ही दी जाएगी, तो क्लियरली मेंशन ये कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो आपको जो है हर बार आपको यहाँ पे जो है वो डिसाइड किया जाता है एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एनी सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट परसुइंग PhD, तो यहाँ पे जो है कोई भी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर वो PhD कर रही है तो वो इस फेलोशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है जनरल केस में, वहीं 45 ईयर्स है अगर आप SC ST OBC या PWD से जो आप लाइक अगर आप जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो PhD होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर मोड में यहाँ पे PhD कर रहे हैं तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर इसके अलावा आप पार्ट टाइम या डिस्टेंट मोड में कर रहे हैं तो आप इसके लिए जो है वो लाइक एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पार्ट टाइम और डिस्टेंट मोड में आप कर रहे हैं तो आप इस फेलोशिप का जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फेलोशिप है ये जो है आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD कर रहे हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेंट्रल इंस्टीट्यूशन या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप PhD में इनरोल होते हैं तो आप इस फेलोशिप को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फेलोशिप वन फेलोशिप एट अ टाइम है, ठीक है। तो आप जो है PhD कर रहे हैं तो आप PhD जब तक आप कंप्लीट ना हो जाए मिनिमम जो है आपको 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो है फेलोशिप दी जाएगी, सेम एज CSIR और UGC JRF और SRF, ठीक है। तो इसका जो क्राइटेरिया इसका जो फेलोशिप अमाउंट है वो सारा जो है आपको CSIR JRF या SRF के अकॉर्डिंग जो है वो सिमिलर आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जो अकाउंट नंबर है उसे आधार सीडिंग उसका होना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेन्योर हम बता रहे हैं आपको जो टेन्योर रहेगा आपका वो 5 ईयर रहेगा फेलोशिप का, तो इन्होंने मैंसन कर रखा है 5 ईयर्स आपको जो है फेलोशिप दी जाएगी। और जो JRF अमाउंट है वो आपका 31,000 रहेगा पर मंथ फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, उसके बाद 35,000 फॉर द रिमेनिंग टेन्योर इन 3 ईयर्स के लिए जो है आपको 35,000 दिया जाएगा, जो कि जो है ऑलरेडी हमने बता दिया CSIR DBT ICMR सबके लिए बराबर है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर फॉर ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के लिए जो है आपको यहाँ पे 10,000 दिया जाएगा फॉर इनिशियल 2 ईयर्स और 20,500 फॉर रिमेनिंग टेन्योर। वहीं साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 12,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 25,000 फॉर रिमेनिंग टेन्योर। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है साइंस को में भी जो इस फेलोशिप को दिया जाएगा, तो ये थोड़ा डाउट है क्योंकि सबसे अबव में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जो है फेलोशिप जो है सिर्फ सोशल साइंस में जो है आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको आप क्लेरिफाई कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। तो इन्होंने यहाँ पे क्योंकि मेंशन कर रखा है कंटीन्यूअसली ग्रांट फॉर साइंसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। तो ये मैं तो आपको क्लियर करके बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो HRA है वो आपको 24% दिया जाएगा, तो HRA का अमाउंट जो रहेगा वो 24% रहेगा प्लस आपका जो है यहाँ पे फेलोशिप रहेगा, ठीक है। तो आपका से जो फेलोशिप रहेगा वो सेम रहेगा एज एज CSIR JRF और आपका यहाँ पे जो भी ICMR है या आपका जो है DBT है तो सारा जो है ये इक्वल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई मेडिकल असिस्टेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो लीव है वो 30 डेज की दिया जाएगा इन अ ईयर। इसके अलावा सेम आपको पैटर्निटी मैटर्निटी लीव भी आप जो है इसके लिए
अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि मैटरनिटी पेटर्निटी लीव, तब भी आप जो है अपना लीव जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप में दे रखा है कि अगर आप जो है अपना फेलोशिप जो ट्रांसफर करना चाहते हैं तब भी आप जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे रखे हैं कि आप जो है कैंसिलेशन आपका फेलोशिप कैसे हो सकता है, तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने रीजन दे रखा है कि अगर आप इनएलिजिबल हैं फेलोशिप रिसीव करने के लिए तो आपका यहाँ फेलोशिप कैंसिल कर दिया जाएगा, या कोई मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर करप्ट प्रैक्टिस रहेंगी तब भी आपका जो फेलोशिप यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है यहाँ पे अप्लाई करने का, तो कैंडिडेट शुड ज्वाइन द फेलो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर। तो यहाँ पे जैसे ही आपका अवार्ड लेटर जो है वो आपको यहाँ पे अगर मिल जाता है तो आपको विद इन 3 मंथ जो है आपको यहाँ पे अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब फेलोशिप अमाउंट शैल बी डिस्टर्ब्ड ऑन डीबीटी मोड, यानी कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपका जो है जो फेलोशिप है वो आपके डायरेक्टली अकाउंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, ये सब आप जो है बहुत क्लियरली जो है आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्म भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप उन फॉर्म्स को जो है आपको जो फिलअप करना है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जो है ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट रहेगा जिसमें आपको जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इन सब फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको जो है अपने जो भी फेलोशिप सेक्शन में जो भी इस चीज़ को हैंडल करता है उनको देना है, और उसके बाद जो है आपका जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्म आपको जो है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, या आप अगर ये ब्रोशर डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है उसमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो एफिडेविट रहेगा, ये एफिडेविट इन्होंने मेंशन कर रखा है मस्ट बी ऑन ₹100, तो वहाँ पे ₹100 का जो है एफिडेविट भी जो है आपका रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी हैं, तो ये सब आप इसे अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी जो भी डाउट है इस फेलोशिप से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप जो है आपको यूजीसी की वेबसाइट पे आपको फ़ोन नंबर और आपको वहाँ पे ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है, तो अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप जो है उन फ़ोन नंबर और उन ईमेल आईडी पे जाके भी आप जो है इसके लिए अप्लाई, इसके लिए जो है अपना जो क्वेरी है उसको आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।